आजादी का अमृत महोत्सव भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल भोपाल के द्वारा साइकिल रैली निकाली गई। आपको बता दें कि करेरा आईटीबीपी सेनानी अभय चंद्र ने आईटीबीपी कैंपस में जोरदार स्वागत कर लंच कराया। आपको बता दें कि लंच के बाद रैली सपोर्ट वाहिनी आईटीबीपी के सेनानी अभय चंद्र एवं हिमबारू के साथ नगर के प्रमुख मार्गों राम मंदिर पुराना बस स्टैंड बीज भंडार होते हुए मंगल पांडे की प्रतिमा पर पहुंचकर अधिकारी साइकिल रैली हिमवीरों ने माल्यार्पण कर सलामी दी। बैंड मार्च पर राष्ट्रीय गीत की धुन पर सलामी दी गई। इसके बाद वहां मौजूद नागरिकों और बच्चों से सपोर्ट वाहिनी सेनानी अभय चंद्र ने मुलाकात की। करेरा से ये साइकिल रैली दिनारा होते हुए झांसी के लिए प्रस्थान की। आपको बता दें कि भारत आजादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। गृह मंत्रालय के द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई गई हैं। ये रैलियां देश के विभिन्न भागों से आरंभ हो गई हैं। वहीं 2 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर राजघाट पर संपन्न होंगी। ये रैलियां भारत के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति के साथ साथ 75 साल की प्रगति और विकास को भी महत्व प्रदान करने के लिए हैं। आपको बता दें कि साइकिल रैलियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना बनाई गई है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा माननीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश ने 22 सितंबर को झंडी दिखाकर इससे रवाना किया। ये साइकिल रैली केंद्रीय सीमांत मुख्यालय भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल भोपाल से शुरू हुई और नजीराबाद गुना शिवपुरी करेरा झांसी ग्वालियर आगरा अलीगढ़ ग्रेटर नोएडा होते हुए कुल 957 किलोमीटर की दूरी तय कर राजघाट दिल्ली में 2 अक्टूबर 2021 को संपन्न होगी। साइकिल रैली में भाग लेने वाले साइकिल चालक रास्ते में आने वाले लोगों के साथ कोविड के समय और बाद में स्वस्थ एवं फिट रहने फिट इंडिया प्रोग्राम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वस्थ भारत योजना आदि का संदेश फैलाएंगे। साथ ही 170 से ज्यादा जिलों में 1 करोड़ वृक्ष लगाने का काम किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के द्वारा चलाए जा रहे वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत महाराष्ट्र के नांदेड़ में 1 करोड़ पौधे का रोपण भी किया। भारत की आज़ादी के 75वां वर्ष जो मनाया जा रहा है, जिसको पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, इसी अमृत महोत्सव की कड़ी के अंतर्गत आईटीबीपी की विभिन्न लोकेशन से एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। विभिन्न फ्रंटियर से वो टीमें अलग अलग लोकेशन से मूव कर चुकी हैं। साथ साथ सेंट्रल फ्रंटियर आईटीबीपी की जो विभिन्न वाहिनियाँ हैं, उनमें से ये साइकिलिस्ट सेलेक्ट किए गए हैं और ये 22 सितंबर को भोपाल से इसका शुभारंभ किया गया। माननीय गृह मंत्री जो मध्य प्रदेश के नरोत्तम जी हैं, उन्होंने इस साइकिल रैली का उद्घाटन किया है। उसके बाद ये रैली भोपाल से होते हुए अलग अलग स्थानों से होते हुए कल शिवपुरी पहुंची और आज उसी कड़ी में सपोर्ट वाहिनी और करेरा में आमद हुई थी। ये रैली करीब 957 किलोमीटर का कुल डिस्टेंस इन्होंने कवर करना है और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर ये साइकिल रैली राजघाट पर पहुंचेगी और वहीं पर ये समाप्त होगी। ये अभी यहाँ से आज झांसी के लिए प्रस्थान करेंगे, झांसी से ग्वालियर और बाकी आसपास से होते हुए राजघाट पर ये पहुँचेंगे।